हेलो गाइस, तो आज हम आ चुके हैं असम, और असम के छोटे बाजार को आज दिखाएंगे जो कि लोकल में लगाए जाते हैं और कितने तरह के वहाँ पर फल सब्जियाँ बेची जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम खुद जाएंगे उस बाज़ार में और असम से सीधा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उस बाज़ार से लाइव वीडियो कि किस तरह हम गए। तो दोस्तों, बाज़ार तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए हमारे ये बड़े भैया ने कहा कि चलो हम लोग पहले मशरूम तोड़ते हैं और मशरूम को बेचने के लिए ले जाएंगे बाज़ार में, ताकि हम लोग भी कुछ मुनाफा हो जाए और वहाँ पर का वीडियो भी मैं आप लोग को दिखा पाऊँ असम से। तो दोस्तों, वैसे तो मैं झारखंड से हूँ, मैं असम गया हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ असम के सिलचर के दिलखुश स्थान पर, जहाँ पर दिलखुश रोड से ये जाना जाता है, और चाय का यहाँ पर बहुत सारा बागान है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि दिलखुश से हम लोग जाते हैं छोटे मार्केट के, यहाँ किस तरह से वहाँ पर बेचते हैं, ये मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए पहले मशरूम को तोड़ लेते हैं, और देख सकते हैं हमारे बड़े भाई जो हैं वो तोड़ रहे हैं मशरूम को, और मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी तोड़ पाए और हम लोग जल्दी से जल्दी बाज़ार के लिए निकल पाएँ। तो दोस्तों, सुबह बहुत बहुत जल्दी हम लोग उठ गए थे मशरूम को तोड़ने के लिए, और देखिए सुबह को उठने के बाद हम लोगों ने पहले जल्दी से मशरूम तोड़ी, उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर पैकिंग किया प्लास्टिक में और हम लोग बेचने के लिए निकल गए। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से हमने मशरूम को तोड़ा और किस तरह हमने पैकिंग किया। तो दोस्तों, देख सकते हैं वो ढूंढ ढूंढ के जो बड़े बड़े मशरूम हैं उनको तोड़ रहे हैं, और देखिए तोड़ने के बाद हम लोग उसको पैकिंग कर रहे हैं, और ये देखिए ये भाई साहब पैकिंग कर रहे हैं प्लास्टिक में वजन करके। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग बाज़ार के लिए निकल गए, जो कि लोकल में लगाए जाते हैं असम के बाज़ारों में। एक चीज़ तो बोलना भूल गया दोस्तों, कि आज पानी पड़ा हुआ था, मौसम ख़राब था, इसीलिए हम लोग बाइक से निकल चुके हैं बाज़ार के लिए। और ये देखिए कितना पानी पड़ा हुआ भाई साहब, यहाँ पर एक पुल था जो कि एक से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए था, और ये देखिए पुल, ये सिलचर का पुल है, और ये देखिए इसको पार कर रहे हैं हम लोग बाइक से। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ लोकल में ही एक बाज़ार लगता है, कुछ ही दूरी पर है, लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ से मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा ये ब्रिज था, इसको हमने पार किया बाइक के द्वारा, और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, और ये देखिए नदी पहाड़ कितना बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। घर वगैरह दोस्तों बहुत ही डिफरेंट के थे, झारखंड से बहुत ही अलग, वहाँ पर टीन का छत लगाया जाता है जल्दी से, वहाँ पर सीमेंट वगैरह का तो कंस्ट्रक्शन मतलब शुरू हुआ है अब, लेकिन बहुत सारे जो देखेंगे वो टीन से है, और जो चद्दर जो होता है टीन का चद्दर उसी से बनाया जाता है। ये देखिए उसी तरह का ये घर बनाया गया है, और ये देखिए सड़कें इस तरह है, यहाँ पर बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। यहाँ के लोग भी बहुत ही प्यारे होते हैं असम के लोग, और ये कितना शानदार नज़ारा आप लोगों के लिए। तो फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं लोकल बाज़ार में, जो कि असम के लोकल बाज़ार यहाँ पर जो लगाए जाते हैं उस बाज़ार में हम पहुँच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर की बोलचाल, यहाँ की भाषा तो डिफरेंट थी भाई साहब, और जब वीडियो बनाते थे तो लोग हमें ही ताड़ते थे, इसीलिए हमको डर लगता था कि यार समझा भी नहीं पाऊँगा कि हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। तो हमारे भाई जो थे वो भी बोलने लगे कि नहीं पता, ये लोग तो बुरा भी मान सकते हैं कि वीडियो क्यों बना रहे हो भाई, काहे को बना रहे हो। और ये देखिए मशरूम यहाँ पर रखे हुए हैं भाई साहब, और ये देखिए बहुत सारा फल सब्जी, बहुत सारे लोग, और ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया टोकरियाँ बनाई गई है बांस से, और ये देखिए लोग बाज़ार यहाँ पर लगाए बैठे हैं, और लोग बहुत सारे लोग, अभी बाज़ार वैसे समाप्त होने वाला है, इसी कारण से खाली खाली दिख रहा है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है।